विद मोबाइल बड़ा बाजार, मोबाइल एक्सचेंज मेला, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, एमआई, नोकिया, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देश भर में जारी अलर्ट। वहीं लॉकडाउन होने के बावजूद सागर में 2 स्कूलों द्वारा किया गया नियमों का उल्लंघन। ज्वाइंट कैंपेन स्कूल में 5वीं, 8वीं और 11वीं क्लास की चल रही थी परीक्षाएं। वहीं जैन हाई स्कूल में प्राचार्य के अलावा टीचर भी थे मौजूद, दोनों पर हुई कार्यवाही। कोरोना वायरस से निपटने सागर को भी किया गया लॉकडाउन। इस दौरान घर से नहीं निकल सकेंगे लोग, सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही रहेंगी चालू। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। राजभवन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने दिलाई उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहे मौजूद। सागर जिले के जरूर अखेड़ा ठाकुर बावा रेलवे फाटक के पास जनवरी में एक नाबालिग युवक की गला घोटकर हत्या के मामले में एक और आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में किया पेश। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सागर जिले में 31 मार्च तक के लिए लागू की गई धारा 144। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में 31 मार्च तक संपूर्ण आवागमन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी पूरी तरह से रहेंगे बंद। लोगों को घर में ही रहने की दी गई है सलाह। कोरोना वायरस की इस महामारी को दूर करने सागर नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई और उन्हें सैनिटाइज करने का काम निरंतर जारी। कोरोना वायरस के चलते शासन प्रशासन द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। इसी को लेकर 31 मार्च तक नहीं किया जाएगा सागर जिले की बसों का संचालन। करीब 300 बसों के थमे पहिए। इसके बाद मुख्य बस स्टैंड पर पसरा रहा सन्नाटा। बेवजह बार बार फोन पर डायल 100 को बुलाने के युवक को पड़ा महंगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। सागर जिले के कुरहत थाने के कुमरोल गांव का मामला। एमपी के मंदसौर में लॉकडाउन होने के बावजूद बेवजह यहां वहां घूमने वाले लोगों को पुलिस ने सिखाया सबक। हाथ में पंपलेट लेकर लोगों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर की वायरल। फोटो में लिखा था, मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पर नहीं रहूंगा। लगातार अपने पैर पसारता जा रहा कोरोना वायरस से निपटने सागर में किया गया लॉकडाउन। इसी को लेकर शहर पूरी तरह से रहा बंद, लेकिन इस दौरान सड़कों पर कुछ हद तक वाहनों की आवाजाही मिली देखने। कोरोना वायरस के चलते रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के पंडाझुर गांव में मुंबई से वापस अपने घर आए 5 लोगों की कराई जा रही है जांच। दहशत में आए ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी सूचना। देश भर में फैल रही घातक बीमारी कोरोना वायरस से सावधानी बरतने के लिए दिए जा रहे सुझाव। दमोह में भी जिला कलेक्टर ने आदेश किया जारी। 23 मार्च से 25 मार्च तक दमोह जिले को किया गया लॉकडाउन। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए खुरई शहर में कई लोग निशुल्क बांट रहे हैं मास्क। इसी क्रम में पूर्व पार्षद मनोज रजक ने खुरई देहात थाना पहुंचकर सभी पुलिस कर्मियों को पहनाए मास्क। सागर की खुरई में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव की सुरक्षा में लगे एवं जनता कर्फ्यू के दिन अपने दलबल के साथ शहर के बाजारों में शहरी थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने मुस्तैदी से किया काम। नगर के व्यापारियों ने थाना प्रभारी और स्टाफ का फूल माला देकर किया सम्मान। सागर जिले के खुरई तहसीलदार संजय दुबे, शहरी थाना प्रभारी अरविंद चौबे अपने दलबल के साथ निकली नगर भ्रमण पर। बाजारों में खुली दुकानों को व्यापारियों को समझाइश देकर कराया बंद। सागर कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक के आदेश के बाद खुरई में बचाव को लेकर सभी लोगों को घरों में रहने की दी जा रही सलाह। प्रशासन ने सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही जरूरत की चीज लाने के दिए निर्देश। जरूरत का सामान लेने लोगों की लापरवाही आई सामने। एक लोग नहीं लगाए हुए थे मास्क। बाजारों में भीड़ होने से कोरोना को लेकर सुरक्षा पड़ सकती है खतरे में। आधार कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए रोहित मोबाइल बड़ा बाजार, मोबाइल एक्सचेंज मेला, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी, एमआई, नोकिया, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला 0% ब्याज पर, बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, जियो एक्सचेंज ऑफर, होम डिलीवरी सुविधा, घर बैठे मोबाइल पाएं, मोबाइल कवर, ग्लास, चार्जर, एयरफोन, मोबाइल रिपेयरिंग उचित रेट पर उपलब्ध है।
आपके मोबाइल से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता है आनंद भंडार के बाजू में, बड़ा बाजार, सागर।